नमस्कार मित्रों, लर्न इज स्मार्ट में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये चारों जज जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे, उस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह सारा घटनाक्रम टीवी मीडिया में सुर्खियां बनने लगा। तब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट के जरिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को मामले की सूचना दी गई। उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अपने साथी जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के साथ किसी अहम मामले पर सुनवाई कर रहे थे। जैसे ही यह सूचना चीफ जस्टिस और उनके दोनों साथी जजों को मिली तो तीनों जज एक साथ अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। चीफ जस्टिस ने मामले में मौजूद पक्षकारों को कहा कि मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद वे अपने चैम्बर में चले गए। इतिहास में पहली बार सभी कोर्ट के जज सुनवाई बीच में ही छोड़कर अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। जस्टिस चेलमेश्वर पहले भी कई बार न्यायपालिका में होने वाले फैसलों व कार्यों पर नाराजगी जता चुके हैं। इसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए NJAC एक्ट 2014 को खत्म कर दिया था और जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बहाल रखा था। फैसला 4-1 के बहुमत से हुआ था। चेलमेश्वर ने NJAC के पक्ष में निर्णय दिया था। दीपक मिश्रा के चीफ जस्टिस बनने के बाद चेलमेश्वर ने कॉलेजियम का बहिष्कार शुरू कर दिया। मेडिकल घोटाला मामले में जस्टिस चेलमेश्वर ने की थी सुनवाई, जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने पलट दिया था। 2 महीने पहले उन्होंने कई मामलों को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग लाने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने बताया कि जज के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। अगर महाभियोग कार्रवाई करनी है तो देश के सांसदों द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है। एक तय संख्या से अधिक शिकायतें जब पहुंचती हैं तो जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए संसद जांच कमेटी बनाती है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक कानूनविद शामिल होते हैं। कमेटी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। संसद द्वारा महाभियोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति संबंधित जज के खिलाफ बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी करता है। सरकार का मानना है इस तरह का मामला कभी नहीं हुआ।
इसलिए तय किया है वह इस पूरे मसले को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को ही आपस में तय करने देगी। फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मसले से दूरी बनाए रखी और उन्होंने न सिर्फ पहले से तय 3 अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए बल्कि मीडिया से भी नहीं मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही प्रसाद को तलब कर इस पूरे विवाद की जानकारी ली। वहीं रविशंकर देर शाम 7 बजे तक दफ्तर में ही जमे रहे। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि मीडिया को जानकारी दें कि मंत्री दफ्तर में बैठे हैं, पीएम से मुलाकात का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी को एक टिप्पणी को लेकर प्रसाद की फटकार भी सुननी पड़ी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एक चैनल लर्न इजी एंड स्मार्ट के नाम से चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। आज ही उस पर चैनल शुरू किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।